तो मैं हूँ अभी मुंबई में और मुझको जाना है प्रयागराज। तो सुबह सुबह ट्रेन की टिकट बुक करा के आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से शुरू करने वाला हूँ मैं 1270 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी। ये है सीट नंबर 7 S3 स्लीपर क्लास का, ये मेरी सीट है। और LTT रेलवे स्टेशन से अभी ट्रेन निकल चुकी है, तो अभी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप पे ठाणे रेलवे स्टेशन। LTT के मुकाबले यहाँ ठाणे रेलवे स्टेशन से ज़्यादा पब्लिक यहाँ स्टेशन रेलवे से करती है क्योंकि यहाँ पे पहुँचना आसान है। तो अभी फिलहाल 2 मिनट के स्टॉप के बाद ठाणे रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चल चुकी है। पहुँच चुके हैं तीसरे स्टॉप कल्याण जंक्शन। यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा भीड़ थी। LTT और ठाणे के मुकाबले यहाँ से ज़्यादा लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से बहुत भीड़ होता वाला। ये इस ट्रेन का टॉयलेट मिरर यहाँ पे है और इसके सामने है इंडियन टॉयलेट। टाइमिंग के हिसाब से 35 मिनट डीले है। अभी हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक स्टेशन स्किप कर दिया हमने, नासिक रोड और मनमार जंक्शन हमने स्किप कर दिया, वहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं की है। अभी भुसावल जंक्शन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। 5:57 हो गए, अभी यहाँ से ट्रेन रवाना होने वाली 3 मिनट में, तो चलिए चलते हैं। अभी हरदा रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं, तो अभी हम कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 2 मिनट के लिए स्टॉप है, यहाँ पे शॉप है, कुछ खाने के लिए लेते हैं और एक बोतल पानी लेते हैं। कल ले लिया था, यहाँ पे बोतल नहीं मिला है, पता नहीं कैसा स्टेशन। तो अभी खाने के लिए लिए पानी भी बोतल ले लिया। अभी चलो चलते हैं ट्रेन में। इटारसी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं अपने टाइमिंग से 10 मिनट पहले। अपने टाइमिंग से 10 मिनट पहले इटारसी जंक्शन पे पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट आई ट्रेन, जो लेट चल रही थी 40 मिनट वो 10 मिनट पहले पहुंच गई इटारसी जंक्शन पर। अभी 15 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है, 5 मिनट का है वैसे, लेकिन 10 मिनट रुकेगा यहाँ पे, तो उसके लिए 15 मिनट बाद ही चलेगा। काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे खाने की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है क्योंकि ये बीच में पड़ता है, लगभग आधे रास्ते के उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आधे आधे रास्ते में बीच में पड़ता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, पूरा नज़ारा एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये वही रेलवे स्टेशन है जो इसको एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन है, एकदम साफ सफाई, एकदम क्लीनलेस, एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी जब लोग सामने होटल है और वहाँ पर देखिए इधर है मेन गेट पति रेलवे स्टेशन पर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किए गए, बाहर भी जाने का मौका नहीं है क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप है बस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन है ये। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे भाई पास पास में काफ़ी दूर तक लगा साथ साथ में भाई बहुत ज़्यादा दिखे, ऐसे टीवी पूरे
लाइन से सिर्फ 10-20 मीटर पे लगाए गए हैं भाई। बहुत ही VIP रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया, वहाँ से 15 मिनट लगा भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। अभी पानी लेने जा रहे हैं, इसे यहाँ पे रेल लेन का पानी, हाँ यहाँ पे रेल लेन का पानी मिल रहा है। होटल भोपाल जैसे से ट्रेन जाने वाली है, अभी चलते हैं और रात हो गई काफ़ी, सोते सोते मिलते सुबह। तो गाइस अभी नैनी पहुंचने वाले, नैनी जंक्शन, नैनी जंक्शन के बाद डायरेक्ट प्रयागराज जा रहा जी है। नैनी जंक्शन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है अभी प्रयागराज, तो प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी और सामान काफ़ी है मेरा, वहाँ तो उतरने के बाद शूट नहीं कर पाऊँगा। 3 घंटे ट्रेन लेट है, 3 घंटे बाद ट्रेन पहुँची है अपने टाइमिंग के हिसाब से, तो प्रयागराज पहुँचने वाली है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सामान काफ़ी है, शूट नहीं कर पाऊँगा, पूरे दोनों हाथ मेरे बंद हो गए। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, 12:08 पहुंची यहाँ पे ट्रेन।